कहां प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, राजनगर एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिसे हम नोएडा एक्सटेंशन के नाम से भी जानते हैं? ये दुविधा वाला प्रश्न हो सकता है। चलिए इन लोकेशंस को एनालाइज करते हैं। दोस्तों आपका स्वागत है कार्पेट एरिया की लोकेशन कंपैरिजन सीरीज में। आइए जानते हैं राजनगर एक्सटेंशन या नोएडा एक्सटेंशन कौन सी लोकेशन कितनी बेहतर है रहने या इन्वेस्टमेंट के नजरिए से। राजनगर एक्सटेंशन एक अफोर्डेबल हाउसिंग लोकेशन है। यहाँ प्रॉपर्टी प्राइजेस कम हैं अगर आप इसकी तुलना ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिसे हम नोएडा एक्सटेंशन भी कहते हैं, इंदिरापुरम, बल्लभगढ़ या एक्सटेंशन एरिया ऑफ द्वारका से करें। अभी प्राइजेस यहाँ 2800 से 3200 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच में है। इसका मुख्य कारण यहाँ का डेवलपमेंट काफी स्लो गति से हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ की जो प्रॉपर्टी प्राइजेस हैं वो भी उतने नहीं बढ़े जितने बढ़ने चाहिए थे। राजनगर एक्सटेंशन करीब है 4 किलोमीटर लंबे ग्रीन बेल्ट से, जो राजनगर एक्सटेंशन को विवेकानंद नगर से जोड़ता है। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि वो इस ग्रीन बेल्ट को लैंडस्केप में कन्वर्ट करेगा और लोग इसका इस्तेमाल वहां के लोकल रेजिडेंट्स कर पाएंगे। बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल इन इंडिया, जिसे हम BCCI के नाम से जानते हैं, उसने यहाँ 33 एकर्स का लैंड एक्वायर किया है, जिस पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम बनेगा, जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 45,000 होगी। यहाँ एक स्पोर्ट्स एकेडमी भी बनाई जाएगी, जिसमें पार्किंग स्पेस भी होगा, जिसमें 2000 गाड़ियां एक साथ पार्क हो सकती हैं। इस भूखंड को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को सौंप दिया गया है और इसका डेवलपमेंट का काम भी शुरू होने वाला है। काफी टाइम से ग्रोथ में पिछड़ने के बाद अब राजनगर एक्सटेंशन की ग्रोथ ने स्पीड पकड़ ली है। इसका मुख्य कारण है हिंडन एलिवेटेड रोड, जो कि देश की सबसे लंबी 10.3 किलोमीटर की सिंगल पिलर एलिवेटेड स्ट्रेच है, जिसमें 6 लेन रोड है जो कनेक्ट करती है राजनगर एक्सटेंशन को दिल्ली बॉर्डर से, यूपी गेट से वैशाली के पास। ये रोड राजनगर एक्सटेंशन को NH24 से भी कनेक्ट करती है। NH24, जिसके बारे में आप शायद जानते ही होंगे, जो कि इंडिया का सबसे चौड़ा पहला 14 लेन का एक्सप्रेसवे है। इन दोनों कारणों ने लोगों का रुझान राजनगर एक्सटेंशन की तरफ दोबारा मोड़ दिया है। जहां कुछ समय पहले लोग राजनगर एक्सटेंशन में जाना नहीं चाहते थे, परंतु इन दो डेवलपमेंट्स के कारण अब इस लोकेशन में लोगों का रुझान फिर से बढ़ रहा है। अगर आप प्राइस एप्रिसिएशन की बात करते हैं, तो एज पर मैजिक ब्रिक्स जनवरी 2019 में, जो कि यहाँ की एवरेज प्राइसिंग 3080 पर स्क्वायर फीट थी, वो बढ़ के अब नवंबर 2019 में 3320 रुपीज पर स्क्वायर फीट हो गई है, जिसका मतलब है कि प्रॉपर्टी प्राइस ऑलमोस्ट 7.7% बढ़ा है पिछले एक साल में। अब हमारा वर्डिक्ट, राजनगर एक्सटेंशन को क्यों चुने? यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी 22 लाख में मिल जाती है, जो कि आसपास के इलाके जैसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट, इंदिरापुरम से काफी अफोर्डेबल है। गाजीबाद मेट्रो भी अप्रूव हो गई है, तो इसके आने के बाद ये लोकेशन और भी इम्प्रूव करेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ प्रॉपर्टी क्यों ना लें? क्योंकि यहाँ एंडलेस बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है और कोई नहीं चाहता कि ट्रैफिक में फंसे। लोकेशन, दूसरा कारण, लोकेशन पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। अभी भी ये फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है और इसमें थोड़ा और समय लगेगा कि ये लोकेशन अपने फुल पोटेंशियल को अटेन कर पाए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि शायद आप जानते ही होंगे कि हम लोग नोएडा एक्सटेंशन में ही रहते हैं, तो क्योंकि हम यहाँ खुद रहते हैं तो हमें लोकेशन थोड़ी सी ज्यादा पसंद होगी। चलिए हमारे पर्सनल प्रेफरेंसेस को हटाकर फैक्ट्स पर बात करते हैं। ये लोकेशन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर के इंटरसेक्शन से जुड़ी हुई है। एक्को लाइन का अप्रूवल भी आ गया है और अप्रैल एंड से इस पे काम भी शुरू होने वाला है। वहीं दूसरी ओर NH24, जो कि इंडिया की वाइडेस्ट 14 लेन एक्सप्रेसवे है, उस पे काम तीव्र गति से चल रहा है और कुछ ही समय में खत्म होना चाहिए। वहीं कुछ ही दूरी पर आपको FNG फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद कॉरिडोर भी मिल जाता है, तो कनेक्टिविटी की परेशानी इस लोकेशन पे नहीं है।
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से किसान चौक तक को रेड लाइट फ्री जोन बनाने का प्रपोजल अप्रूव कर दिया है। डिजाइनिंग पे काम चल रहा है और जैसे ही इसके डिजाइनिंग पे काम खत्म हो जाएगा तो टेंडर रिलीज कर दिए जाएंगे और जो भी लोएस्ट बिडर होगा उसको टेंडर मिल जाएंगे और इसका काम भी शुरू हो जाएगा। आज की डेट में नोएडा एक्सटेंशन एक अच्छी लोकेशन है, इसमें कोई शक नहीं है, पर कुछ चीजें जो इसे खराब करती हैं वो है यहाँ का ट्रैफिक। बट इन दो चेंजेस के बाद यहाँ का ट्रैफिक कम हो जाएगा और इससे इस पर्टिकुलर लोकेशन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। आने वाले कुछ समय में जब एक्वालाइन मेट्रो और नोएडा सिटी सेंटर से एक्सटेंशन तक रेड लाइट फ्री हो जाएंगी तो इस लोकेशन की प्राइजेस भी 30-40% तक बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। यहाँ 2-4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 10 मॉल बनेंगे जिसमें से एक गौर सिटी सेंटर तो आपका ऑपरेशनल भी है। यहाँ की प्रॉपर्टी प्राइजेस 3,000 से 4,500 पर स्क्वायर फीट तक जाती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द बिल्डर, लोकेशन और बाकी चीजें। यहाँ आपको एक अच्छा 2 BHK 27 लाख के आसपास पे मिल जाएगा। जहां तक रही बात प्राइस एप्रिसिएशन की तो मैजिक ब्रिक्स के ही डेटा के हिसाब से जनवरी 2019 में जहां यहां प्रॉपर्टी 3,350 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे अवेलेबल थी वो आज की डेट में नवंबर 2019 में बढ़ के 3,630 हो गई है, विच इज एन इंक्रीज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 8.35%। अब हमारा वर्डिक्ट, आप नोएडा एक्सटेंशन को क्यों चुने? नोएडा एक्सटेंशन को चुनने का मुख्य कारण ये अफोर्डेबल है। यहाँ 2 BHK आपको 27 लाख के आसपास में मिल जाता है, एक्वालाइन मेट्रो अप्रूव हो चुकी है, वाइडनिंग ऑफ NH24 चल रही है और नोएडा सिटी सेंटर से किसान चौक तक रेड लाइट फ्री रोड बनने वाली है। अब यहाँ प्रॉपर्टी क्यों न लें? जब आप ऑफिस से पूरे दिन थक के घर आते हैं तो आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में थकना तो नहीं चाहेंगे। इस लोकेशन की सबसे बड़ी परेशानी ही यही है कि जब आप ऑफिस से घर की तरफ आते हैं तो ट्रैफिक में आपका बहुत सारा कीमती समय वेस्ट हो जाता है जो कि किसी को पसंद नहीं है। दूसरा, ये फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है, एक्वालाइन मेट्रो आएगी, रेड लाइट फ्री जोन नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो से किसान चौक तक बनेगा, पर ये आज की डेट में है नहीं। तो ये एक लोकेशन, एक बहुत अच्छी लोकेशन है बट एक फ्यूचरिस्टिक अच्छी लोकेशन है। आज की डेट में अगर आप बात करें तो आज की डेट में लोकेशन उस लेवल पर डेवलप नहीं है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ 15 एकड़ की सोसाइटी में 4,000 फ्लैट्स आम बात है। अब अगर आप 15 एकड़ की सोसाइटी में 4,000 फ्लैट्स बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ओपन ग्रीन एरिया तो रहेगा नहीं और आपके बच्चे खेलने कहाँ जाएंगे। तो ये एक मुख्य कारण हो सकता है जिस वजह से आप इस लोकेशन को पसंद ना करें। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं एवरेज रेंटल वैल्यू। तो दोस्तों, राजनगर एक्सटेंशन में जो एवरेज रेंटल वैल्यू है आपकी वो तकरीबन 12,000 है जो कि नोएडा एक्सटेंशन में 10,000 रह जाती है। तो अगर आप रेंटल वैल्यू के टर्म्स में लोकेशन को इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो राजनगर एक्सटेंशन एक बेटर ऑप्शन उभर के आता है। चलिए दोस्तों, अब इन दोनों लोकेशंस को माइलस्टोन्स के टर्म्स में कंपेयर करते हैं। नोएडा एक्सटेंशन GIP या ग्रेट इंडिया पैलेस जो कि एंटरटेनमेंट हब ऑफ नोएडा भी कहलाता है से 15 किलोमीटर दूर है जबकि राजनगर एक्सटेंशन 27 किलोमीटर की दूरी पर है। नोएडा सेक्टर 62 जो कि कमर्शियल हब और जॉब IT हब कहा जाता है नोएडा का, वो नोएडा एक्सटेंशन से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं नोएडा सेक्टर 62 राजनगर एक्सटेंशन से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। नोएडा एक्सटेंशन में जहां 18 स्कूल्स मिल जाते हैं वहीं राजनगर एक्सटेंशन में आपके पास 20 स्कूलों में से चुनने की सुविधा है। नोएडा एक्सटेंशन में 3 कॉलेजेस भी हैं जो कि राजनगर एक्सटेंशन में 13 हैं। अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करें तो नोएडा एक्सटेंशन फोर्टिस हॉस्पिटल से सिर्फ 9.6 किलोमीटर्स की दूरी पर है, वहीं राजनगर एक्सटेंशन से अगर आपको फोर्टिस हॉस्पिटल जाना पड़े तो वो 17 किलोमीटर दूर होगा। अगर आप मेट्रो स्टेशन की बात करें तो नोएडा एक्सटेंशन से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन 8 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन राजनगर एक्सटेंशन से मात्र 6.6 किलोमीटर्स की दूरी पर है। आपको विदेश भी जाना पड़ सकता है या आप कहीं और फ्लाइट्स लेना पड़ सकता है
आईजीआई एयरपोर्ट नोएडा एक्सटेंशन से 39 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं राजनगर एक्सटेंशन से वो 41 किलोमीटर है। अगर आप रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो राजनगर एक्सटेंशन 12 किलोमीटर दूर है, वहीं नोएडा एक्सटेंशन आपका सिर्फ 7.5 किलोमीटर है। टेक जोन 4 जो कि आईटी हब बनेगा वो नोएडा एक्सटेंशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं टेक जोन 4 राजनगर एक्सटेंशन से 20 किलोमीटर की दूरी पर पाया जाता है। अगर आप बात करते हैं एमिटी यूनिवर्सिटी की तो एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा एक्सटेंशन से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि राजनगर एक्सटेंशन से 31 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप प्राइस की बात कर रहे हैं तो नोएडा एक्सटेंशन की प्राइसिंग जो 3633 के आसपास से शुरू होती है, वहीं राजनगर एक्सटेंशन की प्राइसिंग 3312 रुपीज पर स्क्वायर फीट से शुरू होती है। मान लीजिए आप 1000 स्क्वायर फीट का एक 2 BHK प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टी आपको नोएडा एक्सटेंशन में 36,33,000 के आसपास मिल जाएगी, वहीं ये प्रॉपर्टी आपको राजनगर एक्सटेंशन में 33,12,000 पे ही मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे वो कुछ पॉइंट्स जो राजनगर एक्सटेंशन को नोएडा एक्सटेंशन से अलग करते हैं। इनमें से कुछ आपको आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, कुछ आपके लिए कम महत्वपूर्ण होंगे, और यही जो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण होंगी डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सी जगह सही है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये लोकेशन कंपैरिजन वीडियो? हो सकता है हमने कुछ चीजें मिस करी हो, अगर ऐसा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिएगा ताकि हम इसी तरीके के वीडियोस और लाते रहें। कीप वॉचिंग कार्पेट एरिया, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू।